सभी का मंगल हो। आज मैं एक छोटा सा रहस्य उद्घाटन फिर से करना चाहता हूँ। आज से कई वर्ष पूर्व मेरे को एक बहुत बड़े सिद्ध साधक मिले, उनसे मेरा बहुत अच्छा प्रेम भी था। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि बोले कोई जरूरी नहीं इस आधुनिक युग में आपका कहते हैं शमशान घाट जाके बैठे हैं या किसी और जगह जाके बैठे हैं, आजकल कई जगह सेफ भी नहीं है, कई तरह की बातें हैं आजकल नहीं, या आप किसी सुनसान जगह पे निर्जन जगह पे नदी किनारे समुद्र किनारे या किसी ऐसे घने जंगल, जंगल का मतलब कोई भी ऐसा मतलब सुनसान जगह जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको शमशान ही चाहिए ना। तो आप जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, पति पत्नी सोते हैं वो, या अगर आप बैचलर हैं तब भी वो बिस्तर, उस बिस्तर को ही महाशमशान मानो, क्योंकि बिस्तर वैसे तो अपने हिसाब से तो अशुद्ध माना जाता है, किस मतलब पवित्र काम में नहीं, बिस्तर पे कुछ नहीं करना, तो शमशान में कौन सा शुद्ध काम होता है, वहाँ पे भी एक चिता जलाई जाती है, एक बॉडी जलाई जाती है, सब कुछ है। मैं यहाँ पर तार्किक विषय पर बात कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे समझाया और मुझे समझ में भी आया। तो आप अपने बिस्तर बैठ के जितना जप करेंगे, बात जप की है, आप शांत भाव से, बस ये कि आपको कोई वहाँ रोके टोके नहीं, कोई ऐसी कुछ नहीं, चुपचाप शांत भाव से वहाँ करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी साधना सफल होगी। ये हुई जब आपके मन में मेरे को सुनसान जगह जाके करना है, तो आपका घर ही सुनसान बनाइए ना, उसी को आप एकांत में बैठ जाइए, कहीं सुनसान हो गया, आपको शमशान चाहिए तो शमशान में महाशमशान आपका बिस्तर हो गया। ये उन्होंने, क्योंकि वो गहरे साधक थे, बहुत ज्ञानी मर्मज्ञ थे, वो बात बता रहा हूँ। तीसरी चीज ये कि वैसे भी अपने शास्त्रों में कहा गया कि अपने घर से बड़ा तीर्थ, अपने घर से बड़ा क्या कहते हैं कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पूजा कर सके, गृहस्थी ही आपकी क्या कहते हैं गृहस्थी में रहकर ही अपने निष्काम भाव से, अनन्य भक्ति भाव, निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करते हुए, अनन्य भक्ति भाव से अजपा जप करते हुए आप कहते अपने कार्य करते चले, तो उसी उससे बड़ा संत कोई हो नहीं सकता। आप सब काम कर रहे हैं, आप एक ये एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ही आती है कि आप अपने किसी भी कार्य को करते हुए भगवान को समर्पित करते चल रहे हैं निष्काम भाव से। जो भी कुछ आपको, मान लीजिए आज आपके घर के अंदर बच्चे का जन्मदिन है या घर का राशन लाना या कोई चीज़ कारपेंटर से ठीक करने पर, आपके जिम्मे एक लिस्ट बन गई, आप उसको करवा रहे हैं, आप अपने आदमी से करवा रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी कुछ है, लेकिन एक लिस्ट बनी ना, आज आपको अपने ऑफिस में ये काम करना है, आज आपको आते समय ये चीज़ जानी है, आज आपको जब भी आप आएंगे आज एक घंटा पहले आके बच्चों को घुमाने ले जाना है या बाजार जाना शॉपिंग करें, कुछ भी काम, वो आपका काम जो है आप सब कुछ कर रहे हैं, आप कहीं नहीं, आप कहते हैं आप बाजार का भी खा रहे हैं घर का भी खा रहे हैं, सब कुछ आप अपने मनोरंजन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ को भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखना, भगवान को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से कर्म करने करती है भी कि आपके मन वचन कर्म द्वारा किसी का भी अहित ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। आपने सोचा मैं तो कुछ भी जायज बेजायज नाजायज कुछ भी करूं भगवान को समर्पित, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, मन वचन कर्म द्वारा आपके द्वारा किसी का भी अहित नहीं होता हो, अहित ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनन्य भक्ति भाव से भगवान का जप करते हुए और निष्काम भाव से कर्म करना ही एक गृहस्थ के अंदर संत कहलाता है। इसके साथ मंगल।